महिला आरक्षण बिल पास मोदी जी करवाएंगे। अब कह रहे हैं मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अरे ईंट से ईंट बजाना है तो कांग्रेस का दामन क्यों थामा है? आंदोलन नहीं होता तो ये घटना नहीं घटती। बेगूसराय में लाखों ओपी क्षेत्र खातोपुर में शिवलिंग तोड़े जाने के बाद सामूहिक एक तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी, जिसके बाद कल प्रशासन ने बलपूर्वक करके स्थिति को नियंत्रण किया। अभी भी पुलिस बल की तैनाती वहां पर मौजूद है। आज बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाए हैं और साथ ही महागठबंधन पर हमला बोला है। महिला बिल को समर्थन दिया, क्यों कभी बिल फाड़े थे, आज बिल को समर्थन क्यों दिया? उनको मालूम था कि अगर मैं नहीं दूंगा तो भी महिला आरक्षण बिल पास मोदी जी करवाएंगे, इसीलिए समर्थन दिया। अब कह रहे हैं मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अरे ईंट से ईंट बजाना है तो कांग्रेस का दामन क्यों थामा है? कांग्रेस क्यों नहीं संवैधानिक व्यवस्था की? संवैधानिक व्यवस्था केवल एससी एसटी को ही है। जब तक नहीं होगा तब तक कहां से मिलेगा? ये घड़ियालू आंसू क्यों बहा रहे हैं? और बधाई दें मोदी जी को, धन्यवाद दें मोदी जी को कि मोदी जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। अब इसे जमीन पर उतारने का जब काम आएगा उसमें सब मिलके सहयोग। तो कई बार आवेदन दिया गया इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, अगर इंक्रोचमेंट हटा लिया जाता वहां सैकड़ों दुकान अवैध तरीके से अवैध कमाई कर रहा था। जब अवैध कमाई करेगा तो अब तो वहां पर दारू चल रहा था। कहां से दारू चल रहा था? अगर दारू चल रहा था तो ये बंद कहां है? बिहार में कहां? बेगूसराय में बंद है? ये भी प्रश्न खड़ा होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, वही लोग कह रहे हैं। और अगर मैं कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं, अपराधी पकड़ाया नहीं और हिंदुओं को ट्रक वाले को डिटेन कर रहे हैं। कहा है ट्रक वाले को डिटेन कर रहे हैं? सारे हिंदुओं को आप डिटेन कर रहे हैं, किसी को केस में फंसा रहे हैं। अगर आप ये काम किए होते कल परसों शाम से, क्यों नहीं प्रशासन हरकत में आई? अगर हरकत में आई होती, मुख्य अपराधी को पकड़े होते तो ये आंदोलन नहीं होता। आंदोलन नहीं होता तो ये घटना नहीं घटती, और ये घटना नहीं घटती ये अपनी भूल दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। मैं यही नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें, हिंदुओं पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी जो इस घटना को अंजाम दिया है उसको छोड़ करके अन्य लोगों की गिरफ्तारी की है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।